E5 के इस तीसरे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। बहुत लोगों की यह शिकायत होती है कि ई फाइलिंग में हम हिंदी में लिख नहीं पाते या ई फाइल में हिंदी में लिखने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग हिंदी में ई फाइल पर काम नहीं कर पाते हैं। आज आपका यह भ्रम या फिर यह संशय मैं इस प्रयोग के साथ तोड़ने आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ई फाइल में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपको हिंदी जानना ही होगा। हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आपके सामने मैंने ई फाइल खोल कर रखा हुआ है। ई फाइल में ये नोटिंग पोर्शन है जहां ज्यादातर हम लोग लिखते हैं। ये नोटिंग पोर्शन जब आप खोलते हैं, ग्रीन नोट वाला जब हिस्सा आप खोलते हैं, तो आप यहां देखते हैं इस तरह का एक इंटरफेस बना हुआ आता है, जिसमें ये है आपको लेफ्ट से लिखना है, सेंटर करना है, अलाइनमेंट बोलते हैं, या जस्टिफाइड करना है। ये है आप कुछ लिखते हैं उसको बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, या फिर उस फॉन्ट जो भी शब्द लिखे उसको काटना है। इसके बाद कुछ गणित का फॉर्मूला है। आपको अगर इसमें टेबल डालना है तो ये टेबल की भी सुविधा है। इंसर्ट टेबल में जाइए, आपको कितने रो लेना है, 3, 4, 5, 6, उसको आप चुन लीजिए। इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। ये देखिए टेबल है, मान लीजिए मैंने दो लिया है। दो लेने के बाद अब इसमें यहां दो आ गया, अब यहां मुझे कुछ लिखना है, तो ये मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका अंग्रेजी में आ रहा है, मुझे हिंदी में लिखना है नोटिंग। चलिए अब देखिए, ये जो ग्रीन नोट है मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। ग्रीन नोट में सबसे पहले आपको यहां देखिए एक इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। देखिए ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कई भाषाएं आ रही है, असमीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, जितनी भी भाषाएं लिखी हुई है यहां, आप उन समस्त भाषाओं में इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मेथी, जो भी भाषा। तो चूंकि मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं यहाँ इसका फॉन्ट बदल देता हूं, यहां मैंने हिंदी कर दिया। हिंदी करने के बाद अब मुझे लिखना है तो मैं यहां टच करूंगा। अब देखिए यहां मैंने प्रस्तुत लिखा, PRASTUT लिखा और स्पेस बार दबाया और हिंदी में आ गया। एक और शब्द लिखते हैं, लिखिए मैं फाइल लिखता हूं मान लीजिए, या पत्र लिखता हूं। पत्र को हम कैसे लिखते हैं फोनेटिक में, आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम जगहों को ऐसे लिखते हैं। फिर स्पेस दबाया, PATRA, ये हो गया प्रस्तुत पत्र। मान लीजिए मैं यहां लिखना चाहता हूं मुख्यालय, MUKHYALAYA। देखिए इसमें होता क्या है कि आ की मात्रा के लिए डबल ए लेना जरूरी रहेगा। यहां ये फोनेटिक में टाइप करता है, ये देखिए मुख्यालय। इसके बाद मैं लिखूं क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कैसे लिखे, हाँ क्षेत्रीय कार्यालय लिखना है। क्षेत्रीय के लिए इस में आपको लिखना है XETRIYA, ये स्पेस बार दबाते हैं, देखिए क्षेत्रीय हो गया। त्र में छोटी की मात्रा, ये मैंने बताया ना बड़ी लेना है तो क्या करना है, डबल बार मारना है। फिर से देखिए, देखिए ये छोटी की मात्रा लिया, मुझे बड़ी देना है तो बड़ी के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। देखते हैं XETRIYA, देखते हैं क्या देता है, क्षेत्रीय हो गया। ये संयुक्त अक्षर। अब कार्यालय लिखेंगे हम, KARYALAYA। फिर वही, क्यों क्या कमी हुई, मैंने के ए के लिए डबल ए नहीं लगाया, आ की मात्रा के लिए आपको डबल ए लगाना है। फिर से देखते हैं KARYALAYA, कार्यालय। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आपको आएगी, आप ये सोचेंगे कौन इतनी बार अभ्यास करे, लेकिन राजभाषा नीति कहती है कि आपको नोटिंग का 30% कम से कम, ग क्षेत्र में है तो फिर 100% की बात आती है। तो ईमानदारी से नोटिंग का 30% तो आपको हिंदी में लिखना है, और उस 30% में आप एक बार आपका हाथ बैठ जाए, आ की मात्रा है तो डबल ई लगाना है, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगानी है, ऊ की मात्रा हो सिंगल ऊ, छोटा ऊ तो यू लगाना है, और बड़े ऊ की मात्रा हो तो डबल ऊ लगाना है। बस इतना करके आप इसमें आराम से लिखते चले जाएंगे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं हिंदी में लिखूं, हालांकि आपका जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसको फोनेटिक में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास वह सुविधा नहीं आ पा रही, तो
तो आप ऑनलाइन जाकर के इसमें हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में अपना जो भी अभिमत है वह लिख सकते हैं। अब थोड़े से और इसके फीचर्स देख लिए जाए क्या है। देखिए सबसे पहले फॉर्मेट में आइए। फॉर्मेट में क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो मैं रेड हेडर कर दूंगा। अब देखिए सारा का सारा लाल हो गया। अब फिर से फॉर्मेट में जाऊंगा, मैं बोल्ड टेक्स्ट करूंगा, ये बोल्ड हो गया है। इसी तरह से अब मैं फिर जाऊंगा ब्लॉक हेडर जाता हूं, मैं इसको चुन लेता हूं। अब इसमें जो भी मैं टाइप करूंगा, जैसे मान लीजिए फिर से मैं करता हूं के ए एम ए एल कमल बाबू बी ए ए बी यू कमल बाबू, ठीक है, ने डबल यू डाला होता तो बड़ा यू होता ने। अब देखिए हे आ रहा है, इसको बदलना है। क्या करना है आपको, ये जो कट वाला हिस्सा आता है कमल बाबू ने, बैकस्पेस मारना है, ने आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहां इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज है इसमें आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, टेबल मैंने दिखाया, आप यहाँ टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, आपको कितना लेना है, तीन चार, जैसे मान लीजिए मुझे लेना है एक दो तीन, यहाँ तीन आ गया, चार बढ़ाना है तो चार हो सकता है। इसमें देखिए टेबल डिलीट करना है तो ये एक्स दबा देंगे, ये हो गया डिलीट। अब इसमें देखिए फिर आइए टेबल में आइए, आपको मान लीजिए पांच लेना है तो मैंने यहां तक ले लिया, पांच हो गया। अब इसमें डिलीट करना है तो एक्स दबाना है, टेबल जोड़ना है, नीचे रो जोड़ना है तो ये प्लस करते चलिए आता जाएगा। इसी तरह से आपको कुछ और उसमें करना है, जैसे टेबल में हम आ गए, मान लीजिए टेबल हम यहां तक ले लिए, उसके बाद देखिए क्रॉस करना है, कट जाएगा, हमें राइट साइड में जोड़ना है तो ये राइट साइड का प्लस कर दीजिए, अपने आप जुड़ता चला जाएगा, टेबल आता चले जाएगा, उसमें लिखते चले जाइए। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहां से बढ़ा लीजिए, 14, 15, 16, 18, जितना बड़ा फॉन्ट रखना है रख लीजिए, आप यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी को चेंज कर लीजिए, आप अंग्रेजी में चले आइए। आप अंग्रेजी में आने के लिए आपको कहां गया, ये इंग्लिश नीचे है, ये हिंदी से हमने तेलुगु कर दिया, ये इंग्लिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूला लगाना है, एक्स का स्क्वायर टू इस तरह से लग जाएगा, बोल्ड इटैलिक्स यहां से कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के लिए टेक्स्ट का लेना है तो यहां से ले सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो बात यहां है कि हमें इसमें क्विक नोटिंग डालना है। क्विक नोटिंग का डालना जब है तो यहां देखिए दाहिनी तरफ सेटिंग है, आप सेटिंग में जाने के बाद यहां देखिए क्विक नोटिंग का ऑप्शन है, क्विक नोटिंग में जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक कंटेंट आएगा, और एकदम नीचे आप जब जाएंगे इसमें नीचे दाहिने तरफ यहां देखिए एड क्विक नोटिंग यहां लिखा हुआ है, मैं यहां एड क्विक नोटिंग लिखूंगा। अब मान लीजिए चूज वन, कौन से लैंग्वेज में लिखना है, मुझे हिंदी में लिखना है, कंटेंट जो भी है आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई कंटेंट डाल दिया, जैसे मान लिया अनुमोदित लिख देता हूं, ये अनुमोदित लिख दिया, क्योंकि मैं जिस बोर्ड से दिखा रहा हूं इसमें हिंदी कीबोर्ड नहीं, इसलिए आपको अनुमोदित लिखना है, ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। अब ये देखिए अनुमोदित यहां लिख करके आ गया। अब हमको इसका प्रयोग किसी फाइल में करना है तो हम यहां से फाइल में जाएंगे, मान लीजिए इनबॉक्स में मैं जिस फाइल पे अभी काम कर रहा था उस फाइल पे मैं आता हूं, मैं फाइल पे काम कर रहा था, कोई एक ले लेते हैं, मैं जैसे इस फाइल पे काम कर रहा था, तो ये चीजें हमारी हैं। अब इसमें मुझे यहां लिखना है अनुमोदित, अनुमोदित लिखना है, मैं क्या करूंगा, मैं ये क्विक नोटिंग में जाऊंगा, स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड दो है, मैं यूजर डिफाइंड क्लिक करूंगा, हिंदी आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ देखिए सबसे ऊपर की पंक्ति में अनुमोदित लिखा हुआ है, बस आप उसको क्लिक कर दीजिए, वह आपके नोटिंग में लिखा जाएगा। यहाँ से आप जो बनाया हुआ है इसमें से आप इसको लिख सकते हैं, कोई एक जो आपको लगता है अनुमोदन जो भी है आप उसको लिख करके कर सकते हैं, मैंने उसको सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर कुछ और प्रश्न आएगा आपकी ओर से तो उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ और प्रश्न है तो आप संदेश बॉक्स में प्रश्न दे सकते हैं, मैं उसका समाधान आपको लाइव करके दिखाने का प्रयास करूंगा।